राइटर सलीम खान ने बच्चन बहू ऐश्वर्या के लिए अपने मन में कोई नफरत की धारणाएं पाल रखी है। क्या वाकई में उनके मन में ऐश्वर्या को लेकर नफरत है? ऐसा कहा जा रहा था जब ऐश्वर्या को लेकर अपने बेटे सलमान का पक्ष लेते हुए सलीम ने बेझिझक अपनी राय कुछ ऐसी दी जिससे ऐश्वर्या के कैरेक्टर पर सवाल खड़े हो सकते थे। जी हाँ, वो वक्त तब की है जब सलमान ऐश्वर्या का ब्रेकअप हुआ था। जी हाँ, दोनों एक दूसरे से अलग हुए थे और विवेक ओबेरॉय के साथ ऐश्वर्या के नाम जुड़ रहे थे। उनकी दोस्ती पर तरह तरह के चर्चाएं हो रहे थे। चर्चा ये थी कि ऐश्वर्या विवेक से इंगेजमेंट कर सकती हैं। ऐसे में विवेक पर सलमान खान का गुस्सा विवेक ने जब पब्लिकली बताया कि कैसे सलमान ने उन्हें रात भर कॉल कर टॉर्चर किया, धमकियां दी। इस पर सलमान की इमेज खराब होता देख सलमान खान की इमेज बनाने के लिए सलीम खान ने लिया एक अलग ही तरीका आजमाने का फैसला। मीडिया के सामने वो खुद गए, अपने बेटे की इमेज तो उन्होंने बचाने की पूरी कोशिश की कि प्यार के चक्कर में वो इस तरह की हरकतें कर बैठे, विवेक से लड़ पड़े, जो सही नहीं था। साथ ही में सलीम ने ये कह दिया कि जिनके लिए उनकी लड़ाई हुई वो तो रुकी नहीं और ना रुकेंगी, वो तो किसी और की होंगी। जी हाँ, यहाँ आप सबको हम बताना चाहेंगे कि ऐश्वर्या का अभिषेक के साथ रिश्ते को लेकर बात करते नजर आए सलीम खान इनडायरेक्टली कि वो मूव ऑन कर जाएंगी किसी और के साथ और आप लड़ते रह जाएंगे। ये टॉन था सलीम खान का। इसके अलावा आपको बता दें, खान फैमिली से सोहेल भी सलमान के पक्ष में ऐश्वर्या को लेकर नाराज़गी जाहिर कर चुके थे। खान फैमिली में सलीम खान ने हमेशा अपने बेटों के प्रति प्रोटेक्टिव नेचर शो किया है। सलमान खान को लेकर सलीम की ये स्टेटमेंट इस बात की तरफ इशारे कर रहे थे कि वो ऐश्वर्या और सलमान के ब्रेकअप से ज़्यादा परेशान नहीं थे और ना ही ऐश्वर्या का सलमान को छोड़ जाने से दुखी थी। सलमान के लिए वो ये एहसास दिलाना चाहते थे सलमान को कि ऐश्वर्या उनके लिए नहीं है और वो जिसके लिए लड़ रहे हैं उसकी वो लायक नहीं है, यानी कि इतना वो ज़्यादा नहीं डिज़र्व करती हैं। नेक्स्ट 9 लाइव स्क्रिप्टिक रिपोर्ट।